नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद रईस में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे जीटीसी भर्ती 2023 की रिगार्डिंग। दोस्तों, आप लोग बेसब्री से रेलवे जीटीसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसकी रिगार्डिंग बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फाइनली जीटीसी का ऑफिशियल असेसमेंट जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि कितने पदों पर जीटीसी की वैकेंसी जारी किया जा सकता है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्यूचर में लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, देख सकते हैं ऑफिशियल लेटर यहां पे जारी कर दिया गया है। ये जो अपडेट आ रही है उत्तर पश्चिमी रेलवे से, यानी RRC जयपुर से आ रही है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जनरल मैनेजर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस से नोटिस जारी हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर GDC कोटा 25% वैकेंसी, और रेफरेंस में यहाँ पे देख सकते हैं जो रेलवे बोर्ड के द्वारा उनको पास लेटर भेजा गया था। इन रेफरेंस टू अबोव फिलिंग अप टू GDC कोटा वैकेंसी असेसमेंट ऑफ जयपुर डिवीजन इन गिवन बिलो। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जयपुर डिवीजन का यहाँ पे असेसमेंट जारी कर दिया गया है। यहाँ कितने पदों के लिए GDC वैकेंसी ओपन वैकेंसी आने वाली है, यहाँ पे पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 यहाँ पे 1/7/2023 तक कुल मिलाकर के 323 वैकेंसी है। वही दोस्तों 1/7/2025 तक यहाँ पे 27 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी देखें तो 354 वैकेंसी है। वही दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, 25% में 89 सीटें हो गए और 50% में यहाँ पे 178 पोस्ट हो गए। और दोस्तों ये जो आपका जनरल पोस्ट हो गए इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर करके देख सकते हैं यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी में 46, SC में 14, OBC में यहाँ पे 23 और EWS का यहाँ पे कैटेगरी मेंशन नहीं किया गया है। तो दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पे एक डिवीजन में इतनी वैकेंसी आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे सीटों की संख्या कम आई है क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि RRC जयपुर ने हाल फिलहाल में ही LT का वैकेंसी GDC के थ्रू जारी किया था, उसका कैंसिल नहीं किया है। दोस्तों वहाँ भी यानी GDC में 250 पोस्ट के आसपास में GDC का वैकेंसी कराया जा रहा है। दोस्तों अगर वो ऐड कर दिया जाता तो यहाँ पे वैकेंसी की संख्या लगभग 600 हो जाती। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि कितने डिवीजन हैं, एक डिवीजन में लोको पायलट कितने वैकेंसी क्रिएट हो सकते हैं, एक जोन में कई एक डिवीजन होते हैं और सभी डिवीजन का वैकेंसी यहाँ पे कितना हो सकता है। दोस्तों दूसरे डिवीजन से यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी आने की संभावना है। वही दोस्तों टेक्नीशियन के पोस्ट की बात करें तो टेक्नीशियन में यहाँ पे तो बिल्कुल नील नील कर दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि 1/7/2025 तक उन्होंने बता रहे हैं कि कोई सीट खाली नहीं है। टेक्निकल TMC, टेक्निकल ब्रेज, टेक्निकल कैरेजन बैगल, ये सारे पदों पर कोई वैकेंसी खाली नहीं है। वही दोस्तों यहाँ पे ट्रेन मैनेजर का यहाँ पे देखिए तो ट्रेन मैनेजर का बताया जा रहा है कि मात्र 56 वैकेंसी है। दोस्तों पूरा जो ए वैकेंसी जारी किया गया है 1/7/2025 तक एंटिसिपेटेड है। और दोस्तों आप लोग का जो नोटिफिकेशन नहीं जारी होने का जो मेन कारण है कि सभी जो डिवीजन से जो असेसमेंट मांगा गया था अभी तक उनको मिल नहीं पाया है। जैसे ही असेसमेंट सारे डिवीजन से मिल जाएंगे आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आप लोग को सारा क्लियर पता चल जाएगा कि कितने पदों पर वैकेंसी आई है, किस जोन में कितनी वैकेंसी है, किस डिवीजन में कितनी वैकेंसी है, सारे मेंशन होंगे। दोस्तों यहाँ पे JEE का देख सकते हैं, JEE का भी 2025 तक कोई वैकेंसी नहीं है। तो दोस्तों अदर जोनों में यहाँ पे हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जयपुर डिवीजन के अंतर्गत JEE यहाँ पे देख सकते हैं, वर्कशॉप, TMC, ब्रिज, सिंगल टेलीकॉम, कैरियर बैगन, ये सारे पदों पर कोई JEE का वैकेंसी नहीं आने जा रहा है। तो दोस्तों एक बड़ी अपडेट है, दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ रही है, रेलवे भर्ती बोर्ड चेन्नई कराएगा GDC का प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे RRB चेन्नई को पूरी जिम्मेवारी दिया गया है कि आप GDC का भर्ती कंडक्ट कराएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अजमेर से नोटिस प्रकाशित हुआ है, रेलवे की ओर से आयोजित होने वाली विभागीय पदोन्नति जीटीसी परीक्षा की प्रक्रिया रेलवे भर्ती बोर्ड चेन्नई की ओर से पूरी की जाएगी। RRB चेन्नई को परीक्षक नोडल एजेंसी बनाया गया है। देश भर में सभी रेलवे भर्ती सेल अपनी जानकारी और कर्मचारी का डाटा RRB चेन्नई को भेजेंगे। इसके साथ ही परीक्षा आयोजित कराने के लिए एजेंसी की चयन RRB चेन्नई को ही करना है। इसके लिए RRB ने टेंडर नोटिस भी जारी कर दिया है। जारी नहीं हुई अधिसूचना यहाँ पे देख सकते हैं, जो 15 तारीख का नोटिफिकेशन जारी होने वाला था इसके बारे में बताया गया है कि जुलाई तक रेलवे की ओर से GDC को
लेकर के 15 जुलाई को अधिसूचना जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन देर शाम तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। ऐसे में परीक्षा देने की तैयारी कर रहे कर्मचारी नोटिस का इंतजार करते रहे। इस अधिसूचना में पाठ्यक्रम पात्रता शैक्षणिक योग्यता को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इसके साथ ही परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों बड़ी अपडेट है, जो सारा जो प्रोसेस है जीडीसी भर्ती प्रक्रिया का नेतृत्व आरआरबी चेन्नई करने वाला है। तो दोस्तों ये अपडेट आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।